प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के फ्रीगंज स्थित वीरभद्र मंदिर में दशा माता का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने दशा माता की विशेष पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली के साथ ही कोरोना वायरस से रक्षा करने की प्रार्थना की है। होली पर्व के दसवें दिन चैत्र माह की दशमी पर महिलाएं दशा माता का व्रत कर अपने घर की दशा व दिशा ठीक करने के लिए कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का धागा लेकर धागे की कहानी कहती हैं और पीपल का पूजन कर उसकी 10 परिक्रमा कर कच्चे सूत को पीपल पर लपेटती हैं तथा कच्चे धागे में 10 गठान बांधकर अपने गले में बांधती हैं। कहते हैं कि इंसान को जीवन में अचानक आई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रतिकूल समय में उसके धैर्य की परीक्षा होती है। आज दशा माता की पूजा होती है। दशा माता की पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पूजन किया जाता है। इसे सभी समाज के लोग पूजन को करते हैं। इस पूजन का महत्व है अपने घर में सुख समृद्धि और धन धान से परिपूर्ण रहें। दशा माता की ऐसी कृपा साल भर बनी रहे, इसी दृष्टि को लेकर माताएँ दशा माता की पूजा करती हैं और अनेक अनेक प्रकार से पकवान चढ़ाकर भगवान दशा माता की पूजा करती, क्योंकि ये छोटे से परिवार से लेकर राजा महाराजाओं तक इस पूजा का महत्व है। इस पूजा को राजा नल की पत्नी ने भी किया था, जो कि उसका फल और दुष्परिणाम दोनों उनको देखने को मिले हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से हर माताएँ आज की इस दशा माता की पूजा को करती हैं, जिससे कि वो हर तरह से सुख समृद्धि को प्राप्त हो, अपने सौभाग्य की प्राप्ति हो उनको और घर की दशा बहुत अच्छी रहे, ऐसी दशा माता की कृपा बनी रहे। आज मतलब सप्तमी होली के बाद दशमी आती है, उसके बाद ये पूजा होती है। पूजा बहुत मतलब महत्व रखती है। माताएं इसलिए करती हैं कि अपने घर में सुख समृद्धि और धन धान्य मतलब बना रहे, इसलिए पूजा की जाती है। और माता जी के उसके लिए माता जी का मतलब बहुत अच्छा वो रहता है इस पूजा करने के लिए। राजा नल की पत्नी ने भी किया था, उनको भी सब मतलब जो उन्होंने किया था तो उनको उसका फल मिला और ये पूजा मतलब इस महत्व से की जाती है। दशा माता की पूजा के खास अवसर पर महिलाओं ने सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए माता से प्रार्थना की। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।